एवरीवन, वेलकम टू कुकिंग विद बेनजीर। दोस्तों, आज हम बनाने जा रहे हैं ड्रैगन चिकन। दोस्तों, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, और अगर आपको मेरी रेसिपी के बारे में कुछ पूछना है तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखकर भेजिए। तो आइए शुरू करते हैं ड्रैगन चिकन। ड्रैगन चिकन बनाने के लिए हम लेंगे एक अंडे की सफेदी, एग वाइट, एक टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर, एक टीस्पून सोया सॉस, नमक, एक टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, एक टेबलस्पून चिली पेस्ट। कश्मीरी मिर्ची को मैंने भिगा दिया था और फिर उसे मैंने ग्राइंड कर लिया है, ये हम लेंगे एक टेबलस्पून। हमने 250 ग्राम बोनलेस चिकन ली है जिसके हमने इस तरह से लंबे स्ट्रिप्स कर लिए हैं। इन सारी चीजों को हमें अच्छी तरह से मिक्स करके आधे घंटे के लिए रख देना है। हमने 2 टेबलस्पून ऑयल ले लिया है एक पैन में, इसमें हम ये चिकन को सॉटे करेंगे। हम इसे डीप फ्राई नहीं करेंगे, अगर आप चाहें तो इसे डीप फ्राई भी कर सकते हैं, लेकिन हम इसे थोड़ा सा हेल्दी रखेंगे, इसे ऐसे ही हम सॉटे करेंगे। हमने इसे अच्छी तरह हाई फ्लेम पर सॉटे कर लिया है, इसमें हमें 7 से 8 मिनट लग गए हैं। हमारी चिकन भी टेंडर हो गई है। अब हम फ्लेम को बंद कर देंगे। हमने 2 टेबलस्पून ऑयल ले लिया है, इसमें हम डालेंगे चॉप्ड गार्लिक, 1 टेबलस्पून ले लें, चॉप्ड अदरक और 1 हरी मिर्ची भी साथ में मैंने चॉप किया है। हम इसमें डालेंगे थोड़ी लाल मिर्चें सूखी, थोड़े काजू मैंने इस तरह से टुकड़े कर लिए हैं, इसे हमें 1 से 2 मिनट तक सॉटे करना है। ये देखिए, हमने 2 मिनट तक इसे हाई फ्लेम पर सॉटे किया है। अब हम इसमें डालेंगे प्याज इस तरह से कटा हुआ, कैप्सिकम, इसे भी हम हाई फ्लेम पर पकाएंगे। आप जब चाइनीज बनाएं तो एक चीज का ध्यान रखें कि आपको फ्लेम को हाई ही रखना है। इसे हम आधे से 1 मिनट तक हाई फ्लेम पर सॉटे करेंगे। अब हम इसमें डालेंगे रेड चिली पेस्ट, जो मैंने आपको बताया था, कश्मीरी लाल मिर्च को मैंने पीसा है, ये आप ले लें 2 टेबलस्पून, ब्लैक पेपर पाउडर 1/2 टीस्पून, 1 टीस्पून सोया सॉस, टमेटो केचप 2 टेबलस्पून। इन सब चीजों को हाई फ्लेम पर हमें 1 मिनट तक सॉटे करना है। अब हम इसमें डालेंगे कॉर्नफ्लोर पानी में मिलाया हुआ, मैंने 1/2 टीस्पून कॉर्नफ्लोर लेके 1/4 कप पानी में मिलाया है, ये डाल देंगे हम इसमें। अब हमें अच्छी तरह से इसे पकाना है 1 से 2 मिनट तक। अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा नमक, हम अजीना मोटो यूज नहीं करेंगे इसमें। ये देखिए, ये अच्छी तरह से मसाला प्रिपेयर हो गया है। अब इसमें हम जो चिकन सॉटे किए थे हमने वो डाल देंगे, इसे भी हम हाई फ्लेम पर थोड़ी देर पकाएंगे। इसमें अब हम डालेंगे विनेगर 1 टीस्पून, हरी प्याज, थोड़ा सा पानी डालेंगे हम इसमें और इसे हाई फ्लेम पर सिजल कर लेंगे।
बस अब हमारा ड्रैगन चिकन बिल्कुल रेडी है सर्व करने के। तो दोस्तों कैसी लगी आपको मेरी रेसिपी? अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो आप मेरे वीडियो को प्लीज लाइक करें और शेयर करें। तो मिलते हैं मेरे अगले वीडियो में एक और मजेदार रेसिपी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।